नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद देवी फ्रेंड्स, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग IRENA के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये देखिए, ये जो एक फोटो है यहाँ पे, ये जो हेड है IRENA के, ये अबू धाबी में जो कि IRENA का हेडक्वार्टर्स है वहां पे एक मीट है। देखिए, IRENA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये अक्सर कर न्यूज में रहता है। जरूरी नहीं है कि ये इंडिया के कंटेक्स्ट में न्यूज में रहे, चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरी दुनिया में जोर मारा जा रहा है, उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो IRENA अक्सर कर न्यूज में रहता है। अभी एक जगह जहां पे सबसे ज्यादा न्यूज में था, देखिए क्या हुआ कि कुछ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स हैं साउथ एशिया में, इनको इन्वाइट किया जाएगा IRENA के द्वारा रजिस्टर करने के लिए। किसके लिए? ताकि वो अपने नेशन में कुछ रेन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने वाले एसेट्स को बना सके, और उन एसेट्स को बनाने के लिए उनको फंडिंग दी जाएगी। और ये जो प्लान है, ये जो पूरा सेटअप है, इसको बोला जा रहा है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को तीन लोग मिलकर बना रहे हैं, जिसमें एक IRENA है, एक सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल है, एक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो इन तीन लोगों ने सितंबर 2019 में अनाउंस किया था कि हम एक क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाएंगे। इस क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का काम क्या होगा कि भाई ग्लोबल फंडिंग को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ग्लोबल फंडिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल्स रिलेटेड ग्रिड अपग्रेड प्रोजेक्ट्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। साउथ एशिया में ये एक्टिव रहेगा, 14 ग्लोबल रीजन में एक्टिव रहेगा, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि इंडिया में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। एलिजिबल होंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आगे आने वाले समय में अगर कोई प्रोजेक्ट इंडिया का इसके अंदर फंडिंग पाता है तो ऑब्वियसली बात है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो एक क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की वजह से रिसेंटली IRENA अभी न्यूज में था, और IRENA बहुत वजह से न्यूज में रहता है। ये जब मीट हुई थी, ठीक है, इसमें जो हेडक्वार्टर्स है इसका अबू धाबी में, उसकी बिल्डिंग से रिलेटेड बात हुई थी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक 2018 में एक मीट हुई थी जहां पे एक रिपोर्ट रिलीज की थी IRENA ने, जिसका नाम था रिन्यूएबल पावर जनरेशन कॉस्ट इन 2018। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहां पे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने 8 मेजर सोलर मार्केट्स को स्टडी किया था 2010 से 2018 में। इसमें कौन कौन थे? चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, यूके, यूएस। और इस चीज में एक चीज निकल के आई थी कि जो भाई इंडिया है ना, वो लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है सोलर पावर का। और सोलर पावर प्रोड्यूस करने में इंडिया को कितना खर्चा आता है, तो कहा जाता था कि 2018 में पर किलोवाट सोलर पावर प्रोड्यूस करने में इंडिया का जो खर्चा है वो है $793। 2017 में इंडिया में जो प्रोडक्ट इंस्टीट्यूट हुए थे सोलर प्रोजेक्ट्स के, उससे 27% कम थी ये कॉस्ट। यानी कि हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस सोलर सेक्टर में बहुत अच्छे से ला पा रहे हैं। इंडिया में कॉस्ट बहुत तेजी से गिरी है। IRENA की ये रिपोर्ट बोल रही थी कि इंडिया में कॉस्ट 80% से गिरी है। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सोलर पावर को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कनाडा में है, जो कि है $2,427 पर किलोवाट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है फ्रेंड्स। अगर आप यूपीएससी का मेंस या इवन पीसीएस का मेंस, अब तो यूपीपीसी से बाकी एग्जाम्स में भी मेंस सब्जेक्टिव हो रहा है, तो वहां पर आप ये चीज कोट कर सकते हैं। अगर सोलर पावर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे आप इस रिपोर्ट का नाम भी कोट कर सकते हैं। ये सब आपके आंसर को एक डेप्थ देंगे। तो ये कहा जा सकता है, आप लिख सकते हैं कि 2018 में जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन कॉस्ट रिपोर्ट आई थी IRENA की, इसने बोला कि इंडिया सबसे सस्ता सोलर बिजली प्रोड्यूस करने वाला नेशन है। पर किलोवाट प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? $793, याद रखिएगा, ठीक है। अब इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी क्या है, ये भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग कंट्रीज को सपोर्ट करती है, ठीक है। किस चीज में सपोर्ट करेगी? कि भाई एक सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर बनाया जा सके। एक प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगी कि इंटरनेशनल कॉरपोरेशन हो, सोलर फील्ड में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए जहां काफी सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। एक रिपोजिटरी हो जहां पे पॉलिसी के बारे में हो, टेक्नोलॉजी के बारे में हो, रिसोर्स हो, फाइनेंशियल नॉलेज हो, और ये रिपोजिटरी ग्लोबल बेसिस पे काम करेगी। ऐसा नहीं कि किसी कंट्री स्पेसिफिक होगी, हर कंट्री के लिए अवेलेबल होगी ताकि हर कंट्री को रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड नॉलेज मिल पाए, रिन्यूएबल एनर्जी में वो आगे बढ़ पाए। क्योंकि सब लोगों का जब कंबाइंड एफर्ट लगेगा तब हम रिन्यूएबल से ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर पाएंगे और बाकी पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स, कोल, गैस, इन सबसे कम कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा,
इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो ये सारे रेन्यूएबल्स पे फोकस करता है, बायो एनर्जी पे, जियो थर्मल पे, हाइड्रो पावर पे, ओशन पे, सोलर पे, विंड पे, इन सब पे फोकस करता है। और इंडिया में तो ये स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है 2022 तक इंडिया में सोलर पावर के थ्रू 100 गीगावाट्स की बात हो रही है, विंड पावर के थ्रू 60 गीगावाट्स की बात हो रही है। तो इंडिया में इंटरनेशनल रेन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का एक बहुत मेजर रोल प्ले में आ जाता है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, एनर्जी एक्सेस मिल सके, एनर्जी सिक्योरिटी मिल सके और लो कार्बन इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। क्योंकि अगर आप रेन्यूएबल एनर्जी से अपनी ज्यादातर एनर्जी बनाएंगे तो कार्बन एमिशन तो कम होगा ही होगा। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में, हालांकि दुनिया के कंटेक्स्ट में, बट इंडिया के कंटेक्स्ट में ये IRENA बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IRENA इस इंडिया इस समय दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एमिटर है। अगर चाइना और यूएस को छोड़ दें, नंबर वन पे चाइना, दूसरे पे यूएस, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा एमिटर कार्बन गैसेस का, ग्रीन हाउस गैसेस का कौन है? इंडिया है, आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि सारे कंट्रीज से, ज्यादातर कंट्रीज से इसको मैंडेट मिला है, अभी कितनी कंट्रीज से मिला ये भी मैं बताऊंगा। IRENA करता क्या है कि भाई गवर्नमेंट्स के लिए ऐसे मैकेनिज्म अवेलेबल कराता है कि उनको रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मिल सके। अब चूंकि IRENA के पास अपना पैसा लिमिटेड है तो वो अलग अलग एजेंसीज को जोड़ेगा, गवर्नमेंट को फंडर्स के साथ जोड़ेगा, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल टूल्स प्रोवाइड करेगा, कुछ पॉलिसी एडवाइस प्रोवाइड करेगा, नॉलेज शेयरिंग प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोवाइड करेगा, ताकि सस्टेनेबल एनर्जी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को मिल सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, वो याद रखिएगा, इसका नाम ग्लोबल एटलस फॉर रेन्यूएबल एनर्जी। ये ग्लोबल एटलस फॉर रेन्यूएबल एनर्जी एक वेब प्लेटफॉर्म है, और ये कौन चलाता है, किसने डेवलप किया है इसको? इंटरनेशनल रेन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने डेवलप किया है, याद रखिएगा। ये क्या करता है कि दुनिया भर की में अलग अलग लोकेशंस को इसने मैप किया है, जहां पे ये बताया जाता है कि भैया यहां पे रेन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्स अच्छा है। किस तरीके से? मान लीजिए किसी एक जगह पे बहुत सारी सनलाइट पहुंचती है, तो वो इसके मैप पे आ जाएगा कि दिस इज अ पोटेंशियल प्लेस फॉर हार्नेसिंग सनलाइट। किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा हवा चलती है तो इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि इस एक जगह पे बहुत पोटेंशियल विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। सिमिलरली यहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, सिमिलरली दूसरी एनर्जी हाइड्रो पावर एनर्जी पैदा की जा सकती है। तो ये ग्लोबल एटलस फॉर रेन्यूएबल एनर्जी पूरी दुनिया में घूम के अलग अलग जगह पे हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ कहाँ पे किस पोटेंशियल के साथ रेन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये ग्लोबल एटलस फॉर रेन्यूएबल एनर्जी किसने बनाया है? IRENA ने बनाया है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये करा क्यों है, ग्लोबल एटलस ने ऐसा किया है क्यों? देखिए, हर कंट्री के पावर, अगर यूएस जैसी कंट्रीज की बात कर ले, चाइना जैसी कंट्रीज की बात कर ले, तो इनके पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो अपने हॉटस्पॉट्स को, अपने रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकता है। इंडिया भी आज ये कर सकता है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है, खासकर अफ्रीका की कंट्रीज, आप चाड की बात कर लीजिए, सूडान की बात कर लीजिए, साउथ सूडान की बात कर लीजिए, नाइजर की बात कर लीजिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात कर लीजिए, इनके पास वो टेक्नोलॉजी आज की डेट में नहीं है। तो ये ग्लोबल एटलस उनको बहुत मदद कर सकता है, किस चीज में? ताकि वो अपने रेन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट को और तेज कर सके, और जो उनके पास टेक्नोलॉजी मिसमैच है उससे वो कहीं डिसएडवांटेज पे ना चले जाए। ये बना कब था इंटरनेशनल रेन्यूएबल एनर्जी? 2009 में बना था फ्रेंड्स। इसका स्टैट्यूट फोर्स में आया था 8 जुलाई 2010 को। इसका हेडक्वार्टर्स है अबू धाबी मजदार सिटी में। IRENA एक ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर है, याद रखिएगा, यूपीएससी के एमसीक्यू में इस तरीके के ऑप्शंस हो सकते हैं। अभी तक इसके 161 मेंबर्स बन चुके हैं और लगभग 22 मेंबर्स इसके मेंबर बनने की प्रक्रिया में हैं। तो सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई फ्रेंड्स। पसंद आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। कमेंट्स के थ्रू बताइए कैसे लगे, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें।